हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि 5 साल के लिए मैंने फिक्स डिपॉजिट रखी, तब जाके मुझे 7% इंटरेस्ट मिला। लेकिन कोई बंदा बोलेगा कि भाई मैं तो 5 साल के लिए नहीं रखना चाहूंगा, मैं तो 1 साल के लिए रखना चाहूंगा, तो फिर वो 7% नहीं देगा। तो फिर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बैंक कितना देगी? भाई 1 साल के लिए तो 3% ही है, मतलब 1 साल के लिए तुम 1 लाख रुपीज रखोगे तो तुम 1 साल के बाद 1,03,000 मिलेंगे। लेकिन अगर 5 साल के लिए तुमने 1 लाख रुपीज रखे तो तुम्हें 7%, तो अब तुम सोचोगे 5 साल के बाद 1,07,000 मिलेगा। 7% मतलब वही, बट ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, क्यूम्युलेटिव इंटरेस्ट मिलता है। मतलब 1 साल के बाद 7% पर ईयर का कितना हो गया? 1,07,000, तो 1 साल का ही हो गया, 1 साल का ही 1,07,000 हो गया। फिर अब 1,07,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी 7% मिलेगी, फिर उसकी 7%। समझ में आ रहा है? क्यूम्युलेटिव इंटरेस्ट, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिनते थे ना, पहले में ऐड हो जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ही गिना जाता है। अंडरस्टूड? तो वैसे बैंक ऑन करती है। तो ये तो पहला है कि यार मीडिएटर का काम करते हैं, मतलब जिसको जिसके पास ज्यादा है उससे ले करके जिसको जरूरी है उसको दे देंगे। ओके, तो डिपोजिटर एंड द बोरोवर्स। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। जो मैंने तुम्हें बताया कि जो डिपॉजिट होगी उस पे 2.5, 3, 3.5, 4% इंटरेस्ट देगी, और जो जिसको दे रही है लोन उसके पास से 10%, 12%, 9%, 8% वैसी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। दिस डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इज बैंक्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। सबसे बड़ी इनकम का सोर्स क्या है बैंक के पास? यही डिफरेंस, कि जितने लोग आते हैं उसको डिपॉजिट देते हैं 3%, और जो ले जाते हैं उधार उसको देते हैं 10% इंटरेस्ट पे, मतलब डायरेक्ट 7% का प्रॉफिट। अंडरस्टूड? ओके। एंड थर्ड पॉइंट, इन इंडिया ओनली 15% ऑफ डिपॉजिट इज कैप्ट विद द बैंक इटसेल्फ, द रेस्ट इज गिवन आउट एज लोन्स। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है समझ में आया क्या? इन इंडिया ओनली 15% ऑफ डिपॉजिट इज कैप्ट विद इन द बैंक, अदरवाइज द रेस्ट इज गिवन आउट एज लोन। मतलब क्या? सपोज हम टोटल मनी जो भी दे रहे हैं 1 लाख रुपीज बैंक में दे दिया, तो अब हमने बैंक में दे दिया तो बैंक 15% रखेंगे अपने पास। ओके, क्यों? क्योंकि कभी भी कोई मांगने आ जाए तो फैलाओ मेरे 1 लाख रुपीज। ओके, तो फिर बैंक के पास तो होने चाहिए, तो 15% रखेंगे और कितने बचे? 85% एज अ लोन दे देंगे। ओके, बट एक साथ अगर मांगने वाले आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बैंक बोलेगी आज तो कैश नहीं है, कल आना। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बैंक में गया और फिर पता नहीं उस टाइम पे मैंने 2 लाख रुपीज सपोज मुझे लेने थे, मैरिज के टाइम पे ही गया था, तो बोले कि अभी कैश नहीं है, मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहां से कैश लानी पड़ेगी। मतलब बैंक वाले ही लाएंगे वो सब, लेकिन आप सपोज आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आओ तब हम रेडी रखें, लाइक दैट। तो वो फैसिलिटी मतलब कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे देंगे। ओके, अगर एक साथ बहुत लोग पैसे लेने के लिए आ गए तो देना तो पड़ेगा। समझ में आ गए पॉइंट? तो ये हमने बैंक के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा। नाउ क्रेडिट लोन की बात करते हैं। ओके, क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। कि भाई लोन देखो सिर्फ पैसों का लोन नहीं, सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, पैसों दे दो तो लोन है, लेकिन गुड्स वो भी एक टाइप की लोन है, कि भाई गुड्स दे दिया ना, सामान दे दिया, ले जाओ भाई तुम्हें जितने भी ग्राउंड नट ऑयल चाहिए वो ले जाओ, 5 डब्बे ले, 5 सपोज कैन ले जाओ, 5 कैन ले जाओ, 1 कैन का प्राइस है 2,000 रुपीज, तो 5 का हो गया 10,000 रुपीज। तो एक्चुअली उसने मनी तो नहीं दी, लेकिन गुड्स दिया, खाने के लिए ऑयल दिया, लेकिन वो भी है तो क्या,
पैसे तो गिनने ही पड़ेंगे, तो एक्चुअली उसने 10,000 की लोन दी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ गुड्स दी है, समझ में आया? ओके, तो वैसा भी हो सकता है, गुड्स भी दे सकते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस कि भाई हम आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे बट ईयरली इतना चार्ज लगेगा। जैसे कि ये नहीं आते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसे बोलते हैं एएमसी, यस एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कि भाई तुमने एएमसी ले लिया है, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ एसी ले लिया है, तो अगर तुमने ले लिया एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तुम्हें जब भी तुम्हारे एसी खराब हो जाए एक कॉल करो, वो लोग आ जाएंगे, रिपेयर कर जाएंगे और तुम्हें पैसे देने ही नहीं, फ्री में आएंगे, क्लियर करेंगे और चले जाएंगे। तो पैसे कब देने हैं? पैसे उनको ईयरली जो टाइम उनका डिसाइडेड हो तब उनको पैसे दे देने। जस्ट लाइक इंश्योरेंस, वो भी सर्विस ही हुई एक टाइप की। तो इंश्योरेंस कैसे, हर महीने हर साल सपोज व्हीकल का इंश्योरेंस है, ओके कार का इंश्योरेंस है, बाइक का इंश्योरेंस है, तो एवरी ईयर सपोज अक्टूबर में तुम्हें 10,000 रुपीज दे देने, एवरी ईयर 10,000 दे दिए, एवरी ईयर दे दिए, जब भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ जिससे तुम्हारी कार और व्हीकल डैमेज हुआ तो हम बोलेंगे अरे एक पोल था उसमें गाड़ी डाल दी, अब नुकसान हो गया है, ओके तो अब ये पैसे वापस लेने हैं। तो इतने साल से जो 5 साल से मैं 10,000 पे कर रहा था तुम्हें, उसका मैंने तो कुछ नहीं लिया लेकिन अब मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, लाओ, तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या सर्विस? उसको पूरा मेंटेनेंस करके वापस दे देगा। कुछ भी दे सकते हैं, गुड्स, मनी, सर्विस, कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ जाएगा किसमें? उधार में, मतलब के लोन में, क्रेडिट ही कहा जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, लोन्स आर बोथ गुड एंड बैड। भाई लोन अच्छा भी है और बुरा भी है, हम ऐसा नहीं बोल सकते बुरा ही है, ओके अच्छा भी है। जैसे अभी क्रेडिट कार्ड की बात चली चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो क्रेडिट कार्ड अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा कब है? जब तुम रीपे ना कर पाओ तो बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत मतलब सबसे लेटेस्ट वाला और सबसे बड़ा अगर कहीं डेब्ट ट्रैप है तो वो है क्रेडिट कार्ड, बहुत ही खतरनाक। ओके, लोग मतलब रोड पे आ गए हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से, क्योंकि लोग अमीर समझते हैं खुद को, मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट पता है कितनी है? 2 लाख रुपीज। सैलरी कितनी है? 2,000। तो वो खर्चा करेगा 2 लाख रुपीज का, ओके बोलेंगे अभी थोड़ी देना है, बिल आएगा एक मंथ के बाद और फिर उसके 15 डेज बाद, मतलब टोटल 45 डेज के बाद उसका पेमेंट करना है। 45 डेज में तो बहुत कुछ हो जाएगा, 45 डेज में तो 45 रास्ते मिल जाएंगे, ऐसे डायलॉग मारते हैं वापस। ओके, तो वो फिर फंस जाते हैं। ओके, तो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा किन के लिए है? कि भाई जैसे कि सैलरी हुई और 15-20 तारीख तक मंथ में सब कुछ खर्चा कर दिया, फेस्टिवल हो गया, दिवाली हो गई और कहीं घूमने चले गए, पैसे खत्म। अब 10 दिन है, घर कैसे चलेगा भाई, पैसे तो खत्म हो गए हैं। उस केस में अब तुम क्रेडिट कार्ड घिस रहे हो, मतलब स्वाइप कर रहे हो, तो मतलब तुम्हें अभी पैसे पे नहीं करने। तुम दूध लेने गए, स्कैन कर दिया, उसमें अकाउंट था क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड ने ही तुम्हें दूध दिलाया। ओके, अब जब तुम्हारी सैलरी हो रही है सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का बिल पे करो। अब तुम्हें पता चल गया कि सैलरी तो हुई थी 30,000 की लेकिन पहले ज्यादा खर्चा हुआ था 10,000 का, तो वो 10,000 गए, अब इस मंथ मुझे 20,000 में ही कंप्लीट करना है। तो लास्ट मंथ तो भाई फेस्टिवल्स थे, ये था वो था, घूमने गए, हर महीने थोड़ी फेस्टिवल होंगे, हर महीने थोड़ी शॉपिंग होगी, हर महीने थोड़ी घूमने जाओगे, तो उस टाइम पे खर्चा कम कर कर हम रीपे कर सकते हैं। तो उस केस में अच्छा है ना कि वो जो 20 डेज के लिए तुम्हें जो तकलीफ होने वाली थी वो नहीं हुई, क्यों? क्योंकि तुमने लोन ले लिया और एक सेफर साइड लोन है, किसी के पास से, जैसे मैंने बोला ना कभी भी किसी को उधार मत देना, ये सेफर साइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम अगर लोन रीपे भी नहीं कर पा रहे हो तुरंत, तो वो थोड़ा चार्ज ज्यादा लेंगे और बोलेंगे अच्छा ठीक है और थोड़े बाद, लेकिन ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लाइक दैट। बट अगर वहां गुंडे के पास से लेके आए हो, नहीं दिए है, तोड़ उसकी टांग तोड़े से, लाइक दैट। ओके, मतलब अगर उसके लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, दिखाना है किसके लिए? क्रेडिट कार्ड।
नहीं क्रेडिट कार्ड के लिए एक्चुअली फिर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और तुम्हारा जो बैंक उसमें तो ऑलरेडी तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम्हें मिलेगा कब? ओके, क्रेडिट कार्ड तुम्हें तब मिलेगा कि तुम्हारा अगर उसमें भी कोड होता है सिबिल स्कोर, ऐसा बोलते हैं सिबिल स्कोर, CIBIL सिबिल स्कोर, और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कितनी है, तुम्हारी जो बैंक अकाउंट है उसमें सबसे पहले उसको लिंक करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी बैंक के स्टेटमेंट्स वो कंपनी बैंक खुद देखेगी कि भाई ये कितने इसके अकाउंट में आ रहे हैं, किसके इसने अकाउंट से जा रहे हैं, हर मंथ कितना खर्चा करता है, इसकी सैलरी कितनी है, उसके बेस पर तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिलेगा। नहीं तो लोग तो 50-50 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड ले लेंगे और 50-50 लाख रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन मिलेंगे ही नहीं ना, तो खर्चा कहां करेंगे, उनको कोई देगा ही नहीं 50 लाख रुपए इसके क्रेडिट। ओके, क्यों? क्योंकि देखेंगे भाई तुम्हारी सैलरी कहां है, तुम जॉब कहां कर रहे हो, सब कुछ मिलके फिर मिलता है। ओके, अदरवाइज कुछ भी नहीं। जैसे कि अभी सोचो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, वो मेरा पहला लाइफ का क्रेडिट कार्ड है, और जब मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और मेरी सैलरी थी 50,000 रुपीज पर मंथ, तब उन्होंने मुझे ऑफर किया था। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे लिए प्रॉफिट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि 50,000 रुपीज है भाई इसका सैलरी, ओके, तो इसको ये कार्ड दे दो तो होगा क्या, ये तो पे कर ही देगा, और मैं रेगुलरली पे कर देता हूँ, और 50,000 के बाद तो अभी तो मैं 20, 12, 10, 15 कितनी सैलरी पे आ गया हूँ। तो मेरी अभी सैलरी 50,000 नहीं है, फिर भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जिसका क्रेडिट लिमिट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा पता है मेरी सैलरी 50,000 है। अब उनको डाउट कब होगा? जब उनका पेमेंट मैं नहीं करूंगा, मतलब मेरा मैंने लोन ले लिया है, क्रेडिट ले लिया है 30,000 का, और मैंने एक मिस कर दिया, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो अरे यार 50,000 तो सैलरी है इसकी, 30,000 रुपीज पे क्यों नहीं किए, डाउट होगा उनको। दूसरी बार भी नहीं किया या कम किया, फुल पेमेंट नहीं किया, पार्शियल पेमेंट किया, अब उनको डाउट होगा, फिर चेकिंग होगी, ओ भाई ये तो 50,000 सैलरी नहीं है, अभी तो इसकी इतनी सैलरी है, तो अब क्या वापस ले ले? वापस ले ले नहीं, उसकी क्रेडिट लिमिट सपोज तुम्हारी 50,000 की क्रेडिट लिमिट हो तो उसकी क्रेडिट लिमिट कम करके 10,000 कर दो, तो तुम वही कार्ड यूज कर रहे हो लेकिन क्रेडिट लिमिट क्या हो गई 10,000 रुपीज, तो तुम ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको विश्वास कम हो गया है, और उनका जितना विश्वास ज्यादा इसी को बोलते हैं, उनका ट्रस्ट जितना ज्यादा इसी को बोलते हैं सिबिल स्कोर। मतलब तुम जितना भी खर्चा करना हो करो, लेकिन अगर तुम रेगुलर पेमेंट कर दे रहे हो रीपेमेंट, तो तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा, और तुमने एक भी चीज एक भी बार अगर रीपेमेंट करने से चूके तो तुम्हारा सिबिल स्कोर डाउन होगा, फिर वो तुम्हें लोन नहीं देगा। और तुमने कितनी चीजें ईएमआई पे ली हुई है, तुम्हारी सपोज क्रेडिट कार्ड पे एक भी ईएमआई नहीं है, तुमने एक भी लोन पे कुछ भी खरीदा नहीं, एसी है, कार है, मोबाइल है, ईएमआई पे तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, तो तुम्हारा सिबिल स्कोर बहुत हाई होता है। लेकिन तुम्हारे ऑलरेडी घर की ईएमआई पे कर रहे हो, एसी की पे कर रहे हो, मोबाइल की पे कर रहे हो, व्हीकल की पे कर रहे हो, और अब तुम जाके बोलोगे कि मुझे 3 लाख रुपीस की लोन चाहिए, बोले नहीं मिलेगी, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, 4 तो तुम लोन पे कर रहे हो, अभी और एक लोन मेरे से ले जाओगे तो कहां से पे करोगे, तो वो नहीं देंगे। समझ में आया? ओके, सो चीट नहीं कर सकते। हाँ, बहुत खतरनाक वाला, वही तो फंस जाते हैं लोग, वही तो बैड है, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है, इतना खतरनाक इंटरेस्ट लगता है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन, एक्सपोनेंशियली इंटरेस्ट लगता है, एक्सपोनेंशियली मतलब एक्सपोनेंट मतलब वो स्क्वायर वाला, स्क्वायर क्यूब वैसा हो जाता है। मतलब अगर तुम्हें 45 डेज में 50,000 पे करना है या 1 लाख रुपीज पे करना है 45 डेज में, और 45 के बदले अगर तुम्हें बोला कि तुमने 60 डेज में पे किए, तो 15 दिन में तो तुम्हें सपोज 15,000 ज्यादा पे करने पड़े, 1 लाख की जगह 1,50,000, फिर तुम बोलोगे तुम तो मुझे 1 लाख रुपीज 45 डेज तक फ्री में यूज करने दे रहे हो, और अभी सिर्फ मैंने 15 दिन लेट पेमेंट किया तो तुमने एक दिन का 1,000 रुपए गिन लिया। हाँ, 45 डेज के बाद तो एक दिन का 1,000 क्या 2,000 भी गिनूंगा, लाइक दैट। तो इंटरेस्ट वो लोग हाई रखते हैं और वहीं से क्रेडिट कंपनी कमाती है, इसीलिए तो सामने से फोन करते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। ओके, क्यों? हाँ, मुझे तो आते ही रहते हैं। ओके, तो क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसे सामने से फोन करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर कोई भी बंदा अगर मिस कर गया रीपेमेंट करने को,
तो वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उनका वही सोर्स ऑफ इनकम है कि इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ओके तो यही याद रखना, जैसे मैंने वो एक सेंटेंस बताया चैप्टर में लाइफ टाइम के लिए, कभी किसी को उधार देना मत और मांगना भी मत, दो रोटी कम खाना, घूमने नहीं जाना, कपड़े पुराने पहनना, बट उधार मांगना भी मत, नहीं तो वो अपना हक जताएंगे, कर्ज हो जाएगा एक तुम्हारे सिर पर। ओके मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, बोलते रहेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी। पांच लोग खड़े और उसके सामने वो तुम्हें कुछ भी गाली दे दे तो तुम बोल नहीं पाओगे, क्यों? उससे उधार लिया है ना, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी। दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे कभी भी कोई भी रिलेटिव, कोई भी कोई एनी मेंबर, ओके कभी भी, मैंने बोला ना कि अपनी नीड्स, अपनी डिमांड्स, अपनी डिजायर छोटी कर दो। बाहर खाना खाने मत जाना, कपड़े नॉर्मली पहनो, नए मत लाओ, घूमने मत जाओ, कुछ भी करो उधार से तो वो अच्छा ही है। और अगर ज्यादा है तो इन्वेस्ट करो, लेकिन देना मत किसी को। इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में इन्वेस्ट करो ना, फ्यूचर में इन्वेस्ट करो कि भाई कुछ भी तुमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख ली, अब बोल अरे यार पैसे, अरे है ही नहीं। नहीं है तो सही में नहीं है ना, नहीं कैश है और ना ही बैंक में है, वो तो फिक्स डिपॉजिट है। अगर फिक्स डिपॉजिट तोड़ दी तो तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा, तो तुम तो बोलोगे भाई नहीं है, दैट्स इट, और बोलो ही ऐसे कि नहीं है। क्या अभी अभी एफडी करवा दी? हाँ ऐसा कुछ मैंने सुना तो है। यस कब? तो बोले अभी जब हम बात कर रहे थे अभी, हाँ लाइक दैट, हस्बैंड वाइफ शायद शॉपिंग कर रहे थे उसमें। वाइफ बोली ये चाहिए, अरे अभी एफडी कर दी, पैसे नहीं है, ऐसे लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग, ओके के ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी हार्ड अर्न मनी कोई ले लेगा और वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो जुआ भी खेल रहा हो, वो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा हो, वो घूम फिर रहा हो, वो कमा नहीं रहा है दूसरों के पैसे से। ओके सो दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी डन। ओके सो इसीलिए ना देना और ना ही लेना, और एट द सेम टाइम ये वो पहला वाला, और दूसरा लर्निंग क्रेडिट कार्ड कभी भी, अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है, भरोसा है और कोई है ऐसे स्पेयर में, जैसे कि पापा है भाई, तो खर्चा ज्यादा हो गया, पापा इस साल इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया है, आप ये पे कर दो, ओके फिर मेरे खर्चे से हम मैनेज कर लेंगे, कुछ भी, पापा है, कोई रिलेटिव है, भाई है, बहन है, तो ही, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड डोंट यूज इट। ठीक, क्रेडिट कार्ड यूज लेना ही मत, इतनी मतलब लुभावनी ऑफर्स मिलेगी तुम्हें, ओके कि हमें ग्रीडी ना हो ना हम, तो भी हमें ग्रीडी बना देंगे, वैसी ऑफर्स मिलेगी कि भाई तुम ये ले लो, इसमें हर महीने दो मूवी टिकट्स फ्री है, ओके तुम पेट्रोल फ्यूल कंजम्पशन करोगे तो 1% कैशबैक मिलेगा, तुम ऑनलाइन परचेस करोगे तो 2% कैशबैक मिलेगा, ये सब उनकी एडवर्टाइजमेंट है कि भाई हर महीने दो मूवी टिकट्स मिलेगी, फ्यूअल अगर तुमने पेट्रोल उस क्रेडिट कार्ड से फिल किया तो तुम्हें कैशबैक मिलेगा, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो कैशबैक मिलेगा, ये वो, ऐसा नहीं है सारा झूठ है, बट पार्शियली करेक्ट है, कैशबैक मिलेगा भी, कितने टाइम के लिए वो मेंशन नहीं करेंगे, ओके या बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा भी एक साल के लिए, उसके बाद चार्जेबल। ओके सो दैट इज द केस, बहुत ही गंदा वाला ट्रैप है, सो कभी भी यूज मत करना, और अभी तो तुम नहीं करोगे, बट इफ योर पेरेंट्स आर यूजिंग, सो यू कैन टेल देम, सजेस्ट देम, ओके सजेस्ट कर सकते हो, टेल नहीं, ओके कि भाई अगर जरूरत ना हो तो हम इससे यूज नहीं करें, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा खर्चा कम कर लो, फेस्टिवल थोड़ा कम एंजॉय करो, खर्चे कम करो, बट उधार लेके नहीं करना है, अदरवाइज हम ही फंस जाएंगे उसमें। ओके चलो, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद, ये तो हमने पढ़ लिया, और गुड और बैड दोनों हो सकती है, इन वन सिचुएशन इट कैन इंक्रीज अ पर्सन्स अर्निंग, इन अदर सिचुएशंस इट मे पुश द पर्सन इनटू डेट ट्रैप। तो भाई एक जगह पर तो वो पर्सन को अर्निंग में भी हेल्प कर सकती है, जैसे कि फार्मर है, फार्मर के पास पैसे नहीं,
बैंक के पास गया, लोन ली, लोन ली, सीड्स लिए भाई, फर्टिलाइजर लिए, कितना कुछ किया, पैसा खर्च किया, किया क्रॉप, किया प्लांटेशन, क्रॉप एक्टिविटी, एग्रीकल्चर सब कुछ किया, हार्वेस्ट किया, पैसे आए बैंक को वापस दिए और प्रॉफिट भी आया। नो मनी से प्रॉफिट अर्न कर लिया। देखो उसने, फार्मर के पास पैसे नहीं थे, नो मनी से प्रॉफिट अर्न कर लिया। सपोज तुमने कोई टॉय बनाया, खिलौना बनाया खुद, ओके, एक कपड़ा, एक हैंकरचीफ डिजाइन किया, एक टॉय डिजाइन किया, और वो तुमने ऐसे ही सोशल मीडिया पे डाला, बहुत फेमस हो गया, तुम्हारे रिलेटिव बोल रहे हैं मेरे लिए भी एक बना दो, मेरे लिए भी एक बना दो, छोटा सा टॉय, मे बी तुमने क्ले से बनाया, प्लास्टिक से बनाया, जिससे भी बनाया हो, ओके, अब इतना फेमस हो गया, इतने फेमस हो गया कि लोग तुम्हारे पास डिमांड करने लगे, यार वो तुम्हारे, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स या तुमसे डायरेक्टली, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारी बेटी ने जो टॉय बनाया है ना, उसको बोलो ना मेरे लिए भी बना दो, मेरे लिए बना दो। अब तुम सोच रहे हो अरे यार इतना बिजनेस करते हैं, चलो। तो अब तुम्हारे पास, तुमने एक टॉय को ऐसे अमेजोन पे डाल दिया कि भाई 100 रुपीज का, 200 रुपीज का, 500 रुपीज का ये टॉय है, और तुम्हारे पास आ गए 200 ऑर्डर्स, ओके, 200 ऑर्डर्स आ गए। अब वो ऑर्डर पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं। इस केस में तुम्हारे लिए अच्छा है लोन क्रेडिट, तुम बैंक के पास गए, ओके, तुम्हें तो, तुम्हारे पास तो ऑर्डर है ही, पक्का ही है कि वो लोग लेने वाले हैं, ऑर्डर किया हुआ ही है, बैंक के पास गए, पैसे दे दो, पैसे ले लिए, ऑर्डर पूरा किया, शिप कर दिया, पैसे आ गए, बैंक को अपने पैसे लौटा दिए, उसके पैसे, तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे पास। तो पैसे नहीं थे फिर भी प्रॉफिट अर्न कर लिया, फार्मर के केस में भी पैसे नहीं थे फिर भी प्रॉफिट अर्न कर लिया। नो मनी से मनी जनरेट किया तुमने विद दिस फैसिलिटी, नो मनी से मनी जनरेट। लेकिन यहां पर उल्टा भी हो सकता है डेब्ट ट्रैप, तुमने बैंक से पैसे लिए, ओके, और वो पैसे तुमने शेयर मार्केट में डाल दिए और शेयर मार्केट गिर गया। अब क्या करोगे, किसी को बोल भी नहीं सकते कि भाई मैंने आपके, वो एक मुन्ना भाई MBBS, मैंने आपके 7 लाख रुपए शेयर में गवा दिए विक्टर, ओके, तो वो अब पापा के पैसे 7 लाख रुपए, ओके, शेयर में डाल दिए, अब ये तो पापा थे भाई, लेकिन तुम बैंक में से लेके आए तो बैंक तो आएगी, घर बेच देगी, ये वो ऐसे तो दिया नहीं होगा, मम्मी की ज्वेलरी रखी, घर रखा, कुछ ना कुछ कार रखा, कोई ना कोई कागजात तो तुमने दिया होगा, ओके, दैट मीन्स इस केस में क्रेडिट क्या हो गई, बैड प्रूव हो गई, ओके, तो इट कैन बी गुड ऑल्सो, इट कैन बी बैड ऑल्सो, ओके, सो बेटर टू अवॉइड। हाँ, लेकिन अगर बोलते हैं ना, बिजनेस सबका खेल नहीं है, ओके, अगर तुम्हें आराम वाली, शांति वाली, सेटिस्फेक्शन वाली, पीसफुल लाइफ चाहिए, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी कंपनी ढूंढो, अच्छे से जॉब करते रहो, फुल छोटा फैमिली, खुशी फैमिली, अच्छे से जियो। लेकिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनना है, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, बहुत सारे। उसमें फिर तुम भाई, अभी शादी की एज हो गई है, बच्चे की एज हो गई है, ओके, मैरिज की एज हो गई है, और बहुत कुछ करना है, ये वो, कुछ चलेगा नहीं, ओके, तुम्हारा कंसंट्रेशन एक ही जगह पे होना चाहिए, पैसे पैसे पैसे, कैसे अर्न करें, कैसे नेटवर्क बढ़ाए, ये वो, ओके, सो अगर बहुत बड़ा कुछ करना है, ऐसा नहीं कि इस केस में, कोई भी केस में, ओके, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जैसे हमने उस दिन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, तुम्हें भाई नरेंद्र मोदी जितना बड़ा बनना है तो छोड़ना पड़ेगा घर, ओके, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, ओके, घर छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। अब तुम बोलोगे नहीं, मैं तो इतनी एज में शादी कर लूंगा, फिर बच्चों के स्कूल, फिर उनको पढ़ाऊंगा, हैप्पी फैमिली, संडे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा, घर पे खाना बनाएंगे, ये वो, भाई तो ये तुम्हारे लिए बिजनेस नहीं है, तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स नहीं है, तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ओके, वैसा ऐसा नहीं है गलत है भाई, कुछ गलत नहीं है, तुम्हारी जो डिजायर है तुम सेटिस्फाई करो, लेकिन तुम्हारी डिजायर कुछ अलग है, तो फिर वहां पर उसकी सेक्रीफाइसेस अलग होंगे, इसके सेक्रीफाइस अलग है। बोलते हैं ना, कोई सपनों के लिए अपनों को छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी अपनों के लिए सपनों को भी छोड़ना पड़ता है, तो दोनों एक साथ बहुत रेयरली हो जाते हैं,
ओके हाँ बोलो सर, अगर वो लोग लोन दे रहे हैं कार पर तो वो भी कार भी चेक करेंगे ना कौन सी है, मतलब उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, चेक तो करेंगे बट फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, क्योंकि अभी जैसे कि अल्टो या फिर कोई नया गाड़ी है तब तो फिर तो बड़ी लोन नहीं देंगे ना उस कार पर। नहीं उसको तो मतलब तुम सिक्योरिटी क्या दे रहे हो, तुम सिक्योरिटी दो 5 लाख रुपीस की और तुम बोलो कि नहीं भाई मुझे तो हमर खरीदनी है 20 लाख की, बोलेंगे भाई 20 लाख की सिक्योरिटी, तुम्हारी सिक्योरिटी 5 लाख की है और तुम्हें हमर चाहिए, तो वो अपने तुम बोलोगे भाई मुझे तो ट्रेन खरीदनी है तो वो बैंक लोन नहीं देगी। ओके वो सिक्योरिटी कितनी है और तुम्हारी कैपेबिलिटी, जैसे वो क्रेडिट कार्ड में बताया ना कि कितना भी क्रेडिट कार्ड बड़ा लिमिट वाला तुम्हें नहीं मिलेगा, वो सब चेक करेंगे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, पहले तुमने कितनी लोन ली थी, अभी कितनी ईएमआई चल रही है, कितना तुम रेगुलर पेमेंट करते हो, सब कुछ देखा जाता है। ओके हाँ, सो डेट ट्रैप वही इज अ सिचुएशन इन विच अ लोन इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे, इट इज मेनली कॉज ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट। तो हाई इंटरेस्ट की वजह से भी डेट ट्रैप होता है। ओके हाई इंटरेस्ट मतलब वही क्रेडिट कार्ड, बहुत ही खतरनाक वाला हाई इंटरेस्ट। ओके कि मतलब अगर 4-5 महीने तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हें डायरेक्टली डबल पे करना पड़ेगा, डबल मतलब 1 लाख रुपीस की तो खर्चा किया है, अब तुम्हें पे करना है 2 लाख, क्या बात कर रहे हो, 3-4 महीने में डबल, तो बैंक में रखने से तो डबल तो कभी नहीं होता 3-4 महीने में बट यहां हो जाएगा। ओके क्योंकि ये उधार है। ओके और वो भी ऑफिशियल लीगल। ओके मतलब बैंक तुम्हारा घर बेच दे और 2 लाख रुपीस ले ले तो तुम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि भाई बैंक ने गलत किया। बैंक ने क्या गलत किया भाई, उसने तो बोला था 45 डेज में पेमेंट कर देना, तो किसने बोला इतना ज्यादा खर्चा करने को, लाइक दैट। ओके तो वो है डेट ट्रैप। लोन की टर्म्स एंड कंडीशन देखो क्या, जो तुम क्वेश्चन जो पूछ, बहुत सारे डाउट्स यहां से क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट बोला वाली
मेन घर वाला सब
फोन देना जरा दो मिनट टाइम ये भी नहीं और सर बोलते नहीं अरे खुलने दे कुछ तेरा चैटिंग में तो उसमें देखूंगा तो टेंशन हो गया खत्म हो गया हो गया नहीं मेरा मम्मी मतलब तू और तेरा मम्मी सेम दिखता था हैं और इसका सफारी किधर है नीचे सफाई सफारी जल्दी कॉल पड़ी है क्या देख रहे मोबाइल यूज कर चलो चलो जल्दी बैठो ये सब रिकॉर्ड हो गया है मैं देख लूंगा देखो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन ओके तुम जो बोल रहे हो कभी भी लोन मिल जाएगी ज्यादा मिल जाएगी कम मिल जाएगी वो सब यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट रेट कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब ये सब कुछ डिसाइड कर दे उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि लोन कब मिलेगी सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पहले से इंटरेस्ट रेट बता देना पड़ता है अदरवाइज तो क्या करेंगे देने के टाइम पे तो हाँ 8% है और फिर जब देने आए तो नहीं 10% मैंने तो 8% नहीं बोला तो ऐसा हो सकता है तो ऑन पेपर ही लिखा है रिटर्न में होना चाहिए इंटरेस्ट रेट कोलेटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए ओके एंड डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा कि जिससे कि पता चले कि भाई तुम्हारा ओरिजिनल एड्रेस कोई ऐसे गलत नहीं बोल रहा है आधार कार्ड लाइट बिल ये वो बहुत कुछ आएगा उसमें एंड मोड ऑफ रीपेमेंट भी पहले से डिसाइड करना होता है कि आप कैसे पे करेंगे ऑनलाइन पे करेंगे चेक से पे करेंगे कैश पे करेंगे सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है तब जाके मिलता है सेकेंड सिक्योरिटी कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच एज लैंड व्हीकल एक्सेट्रा एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर Until the loan is repay, मतलब जब तक लोन पूरी की पूरी रिपे नहीं होती तब तक एक गारंटी की तरह काम करता है ये सिक्योरिटी होता है वो अब वो तुम्हारे मतलब किसी के भी लैंड हो ओके जनरली लैंड पहले होती थी नहीं बोलते कि हमारे पुरखों की जमीन है ओके लाइक दैट मतलब किसी के बहुत ही खेत हो ओके तो वो खेत फार्म पूरे के पूरे रख दिए है मतलब जो फार्म है उनके पास वही रख दिए एज अ सिक्योरिटी क्यों क्योंकि वही फार्म में एग्रीकल्चर कर पाए ओके और अगर कर पाए तो रीपे कर देंगे एट द सेम टाइम भले सिक्योरिटी उनके पास रही मतलब वो बेच नहीं देंगे उनके पास में डॉक्यूमेंट है घर के कागजात तुमने दिए तो घर के कागजात के ऊपर वो अपने पास रखेंगे डॉक्यूमेंट घर के व्हीकल दिया तो व्हीकल वो लोग रखेंगे मे बी यूज भी करें ओके बट व्हीकल के पेपर रखते हैं ओके कि सिक्योरिटी में व्हीकल के पेपर मतलब मान लिया जाएगा कि तुम्हारे पास तुमने नई गाड़ी खरीदी कैश ओके अब अचानक से तुमको लोन की जरूरत पड़ी तो अब तुम बैंक को सिक्योरिटी दोगे कि मेरे पास 20 लाख रुपीज की गाड़ी है ओके बट अब मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अर्जेंट में पैसे चाहिए ओके तो क्या करे तो बोले कि तुमने जो गाड़ी नहीं ली है ना अभी अभी वो हमें सिक्योरिटी के तौर पे दे दो तो वो जो पेपर्स है वो रख लेंगे उसका मतलब पेमेंट बिल सब कुछ और फिर रखेंगे और जब रीपे कर दो तो डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे अगर रीपे नहीं कर पाए तो गाड़ी बेच देंगे वो लोग ओके लाइक दैट कोई क्वेश्चन है अच्छा चलो सो थर्ड पॉइंट इफ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू बोथ टू ऑब्टेन द पेमेंट तो भाई वो बेच देंगे और पेमेंट अपना ले लेंगे ओके दैट इज कोई का सस्ते मिल जाते हैं हां कोई का कम प्राइस में मिल जाते हैं यस वो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की ही वेबसाइट्स है ओके जिस पे गवर्नमेंट ने सबको लोन दिया होता है कि कार रख ली है एज अ सिक्योरिटी लोन दिया हुआ है घर रख लिया है एज अ सिक्योरिटी और लोन दे दिया है और फिर वो लोग अगर रिपे ना कर पाए तो वो बैंक उसका ऑक्शन कर देती है मतलब नीलामी हो जाती है
तो फिर वो सस्ते में मिल जाती है कार, क्योंकि बैंक को तो पैसे चाहिए भाई। ओके, तो वो मिनिमम अमाउंट ही रखेंगे। बैंक को अगर 15 लाख रखने हैं तो वो तो ऑप्शन स्टार्ट ही 15 लाख से करेंगे। तो अब सब लोग ऑप्शन कर रहे हैं। ओके, और लोन उसको जितना मिलना चाहिए वो तो मिल गया, अब तो एक्स्ट्रा ही है, तो उसको तो ज्यादा ही फायदा ही होने वाला है। लाइक इट। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट भाई, यहाँ पे आरबीआई का काम क्या है? ओके, यहाँ पर भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है, बहुत सारी। ओके, बैंक के घपले हो सकते हैं कि भाई बैंक ने अपने ही रिलेटिव्स को बहुत करोड़ ऑफ रुपीज की लोन दे दी, करोड़ ऑफ रुपीज की लोन दे दी, और वो करोड़ ऑफ रुपीज किसके है? पब्लिक के है। बैंक के पास थोड़ी कहां से आएंगे पैसे इतने सारे, तो पब्लिक के पैसे उसने दे दिए। अब वो बंदा, जैसे हमने बोला, कुछ भी किया इलीगल, जुआ खेला, हार गया, भाग गया, घूम लिया, ऐश कर लिया एकदम। ओके, खर्चे कर दिए, अब रीपे नहीं कर पा रहा है। अब जब छोटे छोटे लोग आए कि भाई चलो फेस्टिवल है, लाओ बैंक, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, अब बैंक हाथ खड़ा कर दिए, हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे पैसे उसको लोन पे दिए हुए हैं और उसने लोन रीपे नहीं किए। लाइक दैट। सो इस केस में बैंक फंस जाती है, बहुत सारी बैंक ऐसे फंसी हुई है, लोगों लोन ले लेके लोग भाग गए। हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस टाइकून बोलेंगे हम। ओके, जो बड़े नाम है, बड़े नाम। ओके, और उनके नाम पे मतलब क्रिकेट की टीम होती है, उनके नाम पे पूरा का पूरा आईपीएल होता है, उनके नाम पे पूरी एयरवेज होती है, फ्लाइट होती है, लेकिन ओके, सर नाम नहीं ले लिया और पूरा नाम ले रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन वो लोग रीपे नहीं कर पाते और चले जाते हैं। ओके, और फिर गए तो गए। अब ऐसे बहुत सारी बैंक है भाई, बैंक ने जानबूझ के गलती नहीं की, लेकिन गलती तो की कि भाई बड़ा नाम देख के फंस गए, गलती तो की। ओके, लेकिन बड़ा नाम देखा था, उसको लगा इतना बड़ा आदमी थोड़ी चीट करेगा। लाइक दैट, जैसे कि भाई ऐसे कि कोई बहुत ही ज्यादा नहीं, ऐसा फालतू एग्जांपल नहीं देना। ओके, ठीक है, मतलब कि उसने क्या सोचा कि यार इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसका नाम है, फेम है, बहुत पॉपुलर है, सब लोग उसको जानते हैं। ओके, इतना बड़ा थोड़ी चीट करेगा, और उसने कर दिया। ओके, तो बैंक भी फंस गई, बैंक खुद चीट हुई है। ओके, तो अब क्या होगा कि बैंक का दिवाला निकल गया, अब बैंक ऐसे हाथ खड़े कर देगा और आरबीआई से बोलेगा अब कुछ तो करो, तो आरबीआई फिर हमारे ही पैसे से बैंक को धीरे 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 खड़ी करेगा, मतलब कि अच्छा ये लो कितनी उधारी है, दे दो तुम पहले। ओके, हाँ, तो वो लोग तो फिर कोलेटरल नहीं दिखाए होंगे, दिखाई होंगे, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है ना, जो कोलेटरल दिखाई वो फेक निकली, बहुत ज्यादा, जैसे कि अमाउंट तुमने दिखाई कि मेरा घर है। ओके, और ये लो घर के पेपर, और घर की प्रॉपर्टी तुमने दिखाई कि मेरा जो घर है उसकी कीमत है 50 लाख रुपीस, और एक्चुअल में उसकी कीमत है 10 लाख रुपीस, तो लॉस हो गया ना। और इतना बड़ा नाम, तो ऐसा कि यार ये 10 लाख रुपीस के घर में तो रहता नहीं होगा, ऐसे इसके पास 50 क्या, इसके पास तो करोड़ रुपीस का भी घर होगा। लाइक दैट, तो तुम मतलब फंस गए यहाँ पे एक्चुअल केस में कि भाई ये तो हम ऐसा करेंगे, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ, स्कैम हो गया। ओके, तो वैसा बैंक के साथ हो जाता है, क्यों? क्योंकि बैंक भी आ जाती है इसके ट्रैप में कि भाई हाँ, जिसकी कीमत बोली कि भाई तुमने बोला 30 लाख रुपीस की कार, फिर पता चला कि वो 30 लाख रुपीस की कार उसने भी सेकंड हैंड ली है। ओके, लाइक दैट, बहुत कुछ ऐसा है कि भाई वो मतलब अब अभी देखो, अभी लोग दिखने में अमीर है, लोग दिखावा करते हैं। ओके, कि हम अमीर है भाई, वैसे जैसे व्हीकल वैसा यूज करेंगे, फोन वैसा यूज करेंगे, कपड़े वैसे पहनेंगे, ओके, घर वैसा रखेंगे कि दिखने में ऐसा लगे कि अमीर है। एक्चुअल में अगर तुम उनके पास जाओ और बोलो कि यार 10,000 रुपीज दो ना, बोले यार सॉरी नहीं है। ओके, अरे क्यों इतना सब कुछ यूज करते हो और नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम सब कुछ ईएमआई पे लिया हुआ। ओके, तो भाई वो तो हम क्या सोच लेते हैं कि भाई इतने बड़े घर में रहते हैं, ये फोन यूज करते हैं, ये मोबाइल यूज करते हैं, कपड़े इतने महंगे पहनते हैं, तो शायद इसके पास बहुत पैसा है।
लेकिन सब उधारी का भी तो हो सकता है। ओके अभी ऐसा समझो कि मैं ऐसे करोड़ ऑफ रुपीज बैंक से लोन ले लूं, शायद ना दे मुझे बट ले लूं। ओके तो वो मैं ले लूं और फिर ऐसे ऐशो आराम कर दूं और बहुत बड़ी मतलब 20 लाख 30 लाख की कार ले आऊं, तो किसी को भी ऐसे यार ट्यूशन क्लास बहुत अच्छे से चल रहा लग रहा है। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सब तो उधार का है। ओके लाइक दैट, सो दैट इज द थिंग। और वैसे बैंक भी फंस जाती है और लोग भी फंसाते हैं। लोग किसी को अपने घर वालों को नहीं छोड़ते तो बैंक को छोड़ेंगे पैसों के लिए, तो लोग घर वालों से चीट कर लेते हैं। देखा होगा तुमने केसेस ऐसे न्यूज़पेपर में न्यूज चैनल में आते रहते हैं, दो भाई लड़ रहे हैं। ओके दो भाई फैमिली मेंबर्स का, दो काकाज लड़ रहे हैं। ओके अंकल्स हाँ इतना रखे, 6 पॉइंट कर ले, फिर एक पेज है वो कल देख ले। कहाँ पहुंचे हम? अरे यार स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है चलो कल करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ है कोई डाउट इतना रखते हैं, कोई बात यहाँ से बाकी है, कल चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।